No, I didn't either. वो तो बाद में करोगे, पहले एमसी को खिला वो खोल के बने, वो भी साथ खोल दिए, ठीक है तुम्हें चला दे एमसी चलाना, चला दे एमसी ना एमसी अभी तो मैं तो कर दिया था मुक्तान शुरू को एडमिट की ऑप्शन क्यों आ रही है इसमें एडमिट करना एडमिट करने पड़ेंगे ना नहीं उधर से आगे से पकड़ते हैं ना आईकॉन से नहीं पकड़ना हाँ चलो बस ठीक जी अस्सलाम वालेकुम सर आर यू देयर वालेकुम सलाम मैम चलें स्टार्ट करें टेस्ट यस मैम ताहा भी आपके साथ ही है यस मैम चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर साथ आपसे स्टार्ट करते हैं साथ मैम जस्ट वेट उनको एडमिट कर लेने दें जी स्टार्ट कीजिए एमसीक्यूज शो हो रहे हैं आपको यस मैम जी स्टार्ट करें फर्स्ट 18 से स्टार्ट कीजिए डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस थाइलाकोइड स्ट्रोमा एग्जांपल ऑफ नहीं नहीं ठीक हो गया साद इट्स ओके जी ताहा मैम 19th मैं पर हूँ जी जी 19th आप पीछे एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम इज एनएडीपी प्लस एएमपी एनएडीपी एनएडीएच एडीपी एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम इज एनएडी प्लस एनएडी प्लस ये चैप्टर में आपने कहाँ से देखा था मतलब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली थी आपको कोएंजाइम ए की एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम ए इज फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंफॉर्मेशन कौन सा टॉपिक था जहाँ पे एनर्जी बजट में था चलो मैं आई डोंट थिंक सो एनर्जी बजट था या उससे पहले था कोई साइकिल टॉपिक में था या साइड इंफॉर्मेशन में था
मैम ये साइड इंफॉर्मेशन में था मैम, बल्कि मुझे लगता है ये मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन में था, पीछे था जी, एनर्जी बजट में नहीं था, पीछे इंफॉर्मेशन थी ये, उससे पहले जो एक दो टॉपिक्स थे मैम मैंने पढ़ा था, ये साइड में था, साइड इंफॉर्मेशन जी। आयान नेक्स्ट इज योर टर्न, 20th वन। यस आयान कैन यू हियर मी? आयान तो लीव कर गए हैं, मैं 2 मिनट में ज्वाइन करता है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मैम? वो लगता कल भी कह रहा था उसके वाईफाई में मसला है, कहीं वाईफाई में मसला ही ना हो। टेस्ट देख के तो नहीं प्रॉब्लम हो गई उन्हें? चलो जी सात, नेक्स्ट आप बताइए। 20th The raw materials in photosynthesis are water, oxygen, CO2, O2, water, CO2, glucose, water. Water, CO2. Water and carbon dioxide. That was very easy MCQ. Jee, Taha, next you. The water from the soil enters into the root hairs by the process of osmosis. Photosynthesis, osmosis, diffusion, or respiration. Osmosis. Water from the soil enters, yes. ठीक हो गया, osmosis is the right. मैम ये हमने 7th chapter के अलावा उसके अंदर वो transport वाले में भी थे। Yes, transport वाले में भी हमने इसको देखा। आयान बेटा आवाज आ रही है आपको? Yes ma'am. जी चले जी, नेक्स्ट आप रीड कीजिए। 21st तक हो चुका है। 22 यस, 22nd। द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू पिपेट्स, स्टोमेटा, मेसोफिल, एक्साइलम सेल्स। यस, किस तरह एयर जो एंटर होती है लीफ में? सी 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 में क्या है? मेसोफिल? No, मेसोफिल ने तो जी रॉन्ग कर दिया आया ना आपने बेटा। बी इज द राइट वन, स्टोमेटा इज द सिंपल, उसमें जो होल्स होते हैं स्टोमेटा ही होते हैं ना। आपने मेसोफिल क्यों बोला? मेसोफिल में तो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ओके, रॉन्ग कर गए हैं। फर्स्ट, सेकंड पढ़िए। 23rd, आराम से सोच के आंसर दें, देयर इज नो नीड टू हरी। ओके, 23rd read kijiye. The light reactions of photosynthesis takes place in stromata, thylakoid membrane, lumen, and sac. जी जी, पहला जो है वो stroma है, it's not stromata. जी कहाँ होते हैं? थाइलाकोइड्स मेम्ब्रेन्स में। यस, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, और उसके बाद जो चने वो से आगे एमसीक्यूज में आ ही जाएगा। ओके, दिस इज राइट जी साद, नेक्स्ट इज योर टर्न। द रिएक्शंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन सात पे बहुत इजी इजी वाले एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट था आप पे वो जो एडीपी प्लस वाला था, वो शुक्र है मैंने साइड पैक पढ़ लिया वरना मुझे नहीं आना था। चलें ताहा, नेक्स्ट आप रीड करें। 25th वन। 25th वन, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू ईटीसी टू प्रोड्यूस एएमपी, एएमपी, एटीपी और एडीपी और जीटीपी। ATP. Yes, ATPs. Good. Ji Ayan. The 6 carbon compounds during the direct reactions of photosynthesis spread into 2 dash carbon compounds. 5, 3, 7, 4. The answer is 3. Very easy. ठीक है, next भी आप ही करेंगे. Ayan. How much percentage of the light falling on the leaf is absorbed?
How much percentage of light falling on the leaf surface is absorbed? कितने परसेंट लीफ सरफेस पर अब्सॉर्ब हो जाती है लाइट? 1% 2% 3% 4% ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू। जी बताइए, ये स्टार्टिंग में वहां पे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है जहां पे क्लोरोफिल वाला है ना मैम, क्लोरोफिल एंड लाइट के अंदर है लगता है। हाँ जी, लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। जी आयान, मैंने आपको हिंट तो दे दिया। मैम वो टॉपिक निकल गया है। 2% 2% रॉन्ग, तुक्का चला दिया आपने। इट्स 1% ओनली, 1% लाइट इज अब्सॉर्ब, बाकी सारी जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ओहो आयान का एक और रॉन्ग हो गया, चले कोई बात नहीं। साथ ये जो थ्री कार्बन कंपाउंड बताया था आयान ने, yes, ma'am. इसका नेम बताइए प्लीज। मैम सिक्स कार्बन कंपाउंड था, फॉस्फोग्लिसरेलिहाइड। ग्लिसरेलिहाइड, यस, फॉस्फोग्लिसरेलिहाइड। जी आयान, आप नाम रिपीट करें इसका। फॉस्फोडिसगैलिहाइड। नहीं सही बोल रहे हैं, सही बोलो। आराम से बोले ना, फॉस्फो, मेरे पीछे पड़े हैं फॉस्फो, फॉस्फो ग्लिसरेल्डी, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। आप तो मुझे भी गलत करवा दे, ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरीन तो घर में आम होती है ना, एक व्हाइटिश सा लिक्विड होता है ग्लिसरीन, ट्रांसपेरेंट सा, उसी से निकला हुआ ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा जी साथ, नेक्स्ट इज योर टर्न, 28th one। एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेस अकर्स इन लीफ थ्रू स्टोमेटा, एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम। मैम स्टोमेटा। स्टोमेटा से एक्सचेंज होती है, वेरी गुड। एपिडर्मिस से क्या काम होता है? व्हाट डज एपिडर्मिस डू इन प्लांट्स? No answer? मैं एक मिनट बताता हूँ। हाँ यार, अगर आप आंसर करोगे आपको एक मार्क मिल सकता है। What does epidermis do in plants? और कहाँ मौजूद होती है ये लेयर? ना एपिडर्मल सेल की लेयर तो कॉर्टेक्स के बाहर मौजूद होती है। जी जी, तो ये वही चीज है एपिडर्मिस। एपि मीन्स अबव, सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है ना किसी भी ऑर्गेन की, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। आपकी जो स्किन है बाहर की, ऊपर की, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना लोग स्किन इन्फेक्शन के लिए, तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मिस मीन्स स्किन, एपी अबव, ठीक है, ऊपर वाली जो बाहर वाली लेयर होती है। अच्छा आयान बेटा, कहाँ पर है आप? इधर ही हूँ मैम। ये थिन आउटर लेयर होती है जो कोई भी अपने अंदर ब्लड से वेसल नहीं यूज करती है, और ये बॉडी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, आउटर मोस्ट है थिन। पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपसे कहा था यू कैन गेट वन मार्क इफ यू गिव आंसर। अच्छा जी, जाइलम क्या काम करता है यार? जाइलम टिश्यू। मैम जाइलम सेल, यस मैम, जाइलम transport of water and minerals from the root hairs to the aerial parts of the body. Yes Ayan, it transports. Kaun hai STEM class mein enter hone ke liye? Just wait students. Aaj pe thank you waiting lag gaya by mistake. Chalo Amna bhi aa gayi. Acha ji. Okay, transport of water and minerals. Theek hai ji. नेक्स्ट आ जाएं अब आप। सबसे मैंने अभी 3 times हो गया, आयान से 4 times। आमना, आमना आर यू देयर? मैम आमना मेरे से 3 times। जी जी जी, मेरे मैं सबकी मार्किंग कर रही हूँ साथ साथ, मुझे पता है आप दोनों से एक एक अभी रहता है। आमना आर यू देयर? जी मिस। चलें नेक्स्ट आप रीड करते हैं, लेकिन ये आई थिंक आपके उसमें इंक्लूड नहीं है। ये नेक्स्ट पे चलते जाते हैं ना, चले जी रीड कीजिए नेक्स्ट। आमना एमसीक्यूज 30th।
vessels which transport water and salts to the plants are the components of xylem, phloem, vascular tissues, endodermis. कौन सी वेसल्स होंगी जो कि प्लांट में वाटर और सॉल्ट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं? ये भी हम डिस्कस कर रहे थे बॉयज। यस मैम। बट डोंट टेल आमना। आमना वेरी इजी। ये हम पीछे चैप्टर 4 में टिश्यूज पढ़े थे ना, वहां से वहां की इंफॉर्मेशन है ये। रिपीट ही समझे इसे। इट्स अ रिपीटेड कॉन्सेप्ट। कौन से टिश्यू? यस जाइलम। इट्स जाइलम बच्चों, आप एक्साइलम पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। इट्स जाइलम, जी से समझे इसे स्टार्ट करना में। एक्साइलम पता नहीं क्यों बच्चे इसे बोलते हैं, जाइलम। ओके जी ताहा, नेक्स्ट इज योर टर्न। I'm 31st. Yes, 31st. Photosynthesis takes place in chloroplasts, mitochondria, cytoplasm, and cytosol. Ji, kahan pe ho rahi hoti hai? Photosynthesis takes place in chloroplasts. Bilkul theek. Yes, Saad. Main ye bhi fourth chapter mein padha tha. Ji, site. Ji, ji, Saad. Final products of anaerobic respiration are lactic acid, CO2, ethanol, all of these. Ma'am, all of these. Yes, very good. All of these is the answer. Jo anaerobic respiration hai, usme kya hai? Oxygen hoga ki nahi hoga saath? It happens in No, ma'am, oxygen nahi hoga. Yes, it occurs in the absence of oxygen or absence of oxygen. Yes, तो इसके end products में ethanol, lactic acid, carbon dioxide and तीन options के बाद all of these को आपको, क्योंकि सारे ही इसमें produce हो रहे होते हैं। जी आयान, glycolysis occurs in yes आयान, हरी आप glycolysis आवाज आ रही है students? आयान आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अगर टाइम लेंगे तो देन आई विल नॉट गिव यू चांस। आमना आप बता दीजिए। ग्लाइकोलाइसिस, यस वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। आयान का जीरो लगा दूं मैं? आयान ने आंसर नहीं किया। आयान है काम पे। आवाज आ रही साथ ताहा आपको मेरी? साद एंड ताहा? यस मैम। आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। आयान को क्या, आयान क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे नेट पर? ये क्लास में तो है वो। अच्छा जी, नेक्स्ट 34th, हु विल गिव आंसर? ताहा, मैं पढ़ता हूँ जी। 34th, यस 34, फंजाई एस्परजिलस इज यूज फॉर मेकिंग योगर्ट, चीज, बेकिंग and this soya sauce. ये वैसे एक extra information है, ये इसमें था chapter में कहीं पे information ये वाली? मैम मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं मुझे था नहीं। वैसे इसको answer कर लेते हैं, but अगर wrong हुआ तो I will not cut your marks because it's an extra। पता नहीं कहाँ से दे दिया उन्होंने। जी कौन से हो सकता है? ये fungi का नाम है aspergillus। कह रहे हैं वो किसकी बेटी? मैम योगर्ट। मैम मेरे ख्याल से सोया सॉस है। कैसे है? हाँ जी, योगर्ट तो नहीं है बेटा, सोया सॉस इज द आंसर। वैसे मोस्टली जो फंजाई होता है ना, ये आपके योगर्ट में तो बेटा बैक्टीरियाज यूज होते हैं, ठीक है? बैक्टीरियाज आर हेल्पिंग टू मेक योगर्ट। फंजाई जो है ना, ये एज ए यीस्ट यूज होता है आपकी बेकिंग में।
तो बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेशली उन्होंने एस्परजिलस का नाम लिया फंजाई का, तो उसके लिए सोया सॉस। ठीक है जी, ताहा आप नेक्स्ट करें। ताहा नेक्स्ट रीड कीजिए। मैम कर रहा हूँ। 35 pyruvic acid is a 5 is a dash carbon compound, 5 carbon compound, 4 carbon compound, 3 carbon compound and 2 carbon compound. मैम ये 3 carbon compound है। Yes, quite right. अच्छा जी, अब 7 के भी 5 हो चुके हैं questions. 1, 2, 3, 4, 5. Taha is also at 5. मैं पूछ चुकी हूँ उनसे 1, 2, 3, 4, 5. आमना के 2 हुए हैं। आमना दिस इज योर टर्न फॉर 2 to 3 MCQs. जी 36 कहाँ होती है? नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन तो इनको ओवरऑल बोला जाता है ना, ये कौन से प्रोसीजर्स में हो रहे होते हैं ये दोनों? वो तो इनको कलेक्टिवली आप एज ए शॉर्ट बोलते हो ना, रिडॉक्स रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब कौन से प्रोसीजर्स में होती है जहाँ पे रिडॉक्स का काम चलता है, जहाँ रिडॉक्स की जरूरत पड़ती है हमें, वो कौन से प्रोसीजर्स हैं? या तो वो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए, या रेस्पिरेशन में चाहिए, या बोथ एबीसी, यानी कि बोथ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, इन दोनों में हमें इसकी जरूरत है इंटरेक्शन की, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है? तो वट इज द राइट आंसर? आप रिडॉक्स बोल रहे हो? पहले यही बोला था। नहीं बेटा, रिडॉक्स तो इनको ओवरऑल नाम दिया जाता है। उनका क्वेश्चन था कि ये यूज कहाँ होते हैं, तो यस बोथ ए एंड बी, ये फोटोसिंथेसिस में भी चलेंगे, बार बार एग्जीक्यूट होंगे, और रेस्पिरेशन में भी होंगे, उसी के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भी और वापस भी जाएंगे, यही है ना रिडॉक्स के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चले ठीक, कंसिडर करती हूँ, एंड पे आपने सही आंसर कर ही दिया। जी 36 नहीं, ये भी नहीं आप करोगे। हाँ वैसे ये है, हमने कल ही तो पढ़ा ही है, ये हमारे इंक्लूडेड है टॉपिक। जी 37 मिस वो दिख नहीं रहा। पूछा गया है कि क्लोरोफिलस पिगमेंट, वो फोटोसिंथेसिस सिस्टम की बात आ रही है, यानी कि जो एक हमारा मेन था ना क्लोरोफिल, और एक एक्सेप्शन था, एक्स्ट्रा था क्लोरोफिल जो उसको हेल्प कर रहा था, उसकी बात हो रही है कि कौन सी लाइट में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो अब्सॉर्ब करता है, मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है। तो यहाँ से बस आपने कौन सी लाइट का कलर बताना है, किस लाइट। हाँ, हु इज आंसरिंग? अच्छा, गोल्डन ब्लू। चलो जी आयान, आयान बेटा आपको आवाज आ रही है इस वक्त? आपसे क्वेश्चन कह रही थी तब आपको आवाज नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम हो गया था उस वक्त, नहीं आवाज रिसीव हो रही थी। अच्छा चले जी, आमना इसका तो आंसर हो गया, रेड एंड ब्लू। आगे चले आप, नेक्स्ट वन। चले आप नेक्स्ट देखिए। एटीपी वॉज डिस्कवर्ड बाय, एटीपी किसने डिस्कवर किया था? ये भी बहुत आसान है। आमना से भी एक क्वेश्चन और होगा, फिर वो इक्वल होंगी सबके साथ, 5-5 क्वेश्चंस पे। यस आमना, ओके आंसर बेटा, इतना लेट हो, इतना लेट आंसर तो फिर आपको पता है रॉन्ग कंसीडर हो जाता है। नहीं ब्रो, मिस मुझे लग रहा था शायद कलर तो कार्ल, जेस कार्ल नॉमन। ओके ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आयान आप बताइए, नेक्स्ट वन आंसर। 38 रॉन्ग। 38 कहाँ से हो गए? हाउ मेनी एटीपीज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड रॉन्ग इज द आंसर, योर आंसर इज रॉन्ग। 36 इज द राइट। आयान बहुत तेजी से आंसर करते हैं, सोचते सोचे बगैर। आयान बेटा ये हैबिट आपकी
ठीक करनी पड़ेगी आपको. यू हैव टू इम्प्रूव दिस. अच्छा जी, नेक्स्ट टर्म ना आप बताइए. द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज इंडिकेटेड बाय टू फॉस्फेट ग्रुप. यस, ये कौन से कोवलेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है फॉस्फेट ग्रुप्स में? कौन बताएगा? साथ आप बताओगे किन कोवलेंट बॉन्ड्स की बात हो रही है जो फॉस्फेट ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं? कौन से मॉलिक्यूल की बात हो रही है? टिल्ड. आंसर क्यों बता रहे हैं? मिस, मैंने भी पहले यही बोला था. मुझे लगा आपने आंसर पूछा. आंसर नहीं पूछा था जी. कौन से मॉलिक्यूल में होता है ये फॉस्फेट ग्रुप में टिल्ट? आमना, अब आप साथ आप नहीं बोलोगे. कौन से मॉलिक्यूल में ये टिल्ड होता है फॉस्फेट ग्रुप के अंदर? इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट्स हैं. हाँ जी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें पाए जाते हैं? इस चैप्टर में हम बहुत दफा उसका नाम ले रहे हैं बार बार. यस, मॉलिक्यूल का नाम बताएं. रिएक्शन का वो ना बताएं, मॉलिक्यूल. कौन से मॉलिक्यूल में फॉस्फेट के जो इनऑर्गेनिक वो एटम्स हैं वो टिल्ड की फॉर्म में अटैच हुए हुए हैं? इसका पूरा स्ट्रक्चर भी आपने रीड किया है एक टॉपिक में. नहीं आ रहा आपको आमना. आयान आप बता सकते हो किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप्स टिल्ट के जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टिल्टेड फॉर्म में अटैच है, शो किया हुआ अटैचमेंट शो. बात हो ये ना जिसमें एक राइबोस होता है, एक एडेनाइन होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं. वेरी गुड. मोलर स्ट्रक्चर जी आमना, एटीपी की बात हो रही थी. एटीपी का स्ट्रक्चर में आप देखो ना, जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उनमें 2 में टिल्ड का साइन यूज हुआ है एंड दिस साइन इज यूज्ड फॉर हाई एनर्जी बॉन्ड्स. ठीक है, जो टिल्ड होता है ये शो करता है कि बॉन्ड बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है. अगर ये ब्रेक होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. यू गेट दैट आमना? जी मिस. एटीपी की बात हो रही थी. एटीपी में फॉस्फेट ग्रुप्स टिल्ड की फॉर्म में अटैच होते हैं. ठीक है, ओके आगे चलें. साथ दिस इज योर टर्न नेक्स्ट. 41. ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू. All of these statements are true except, ma'am, कहाँ चला गया? All of these statements are true about ATP except it is used as an energy currency by all cells. It is formed only under aerobic conditions. Some ATP is used to drive the synthesis of storage compounds. It provides the energy for many different biochemical reactions. All the statements are true. Ma'am, wrong statement बतानी है ना हमें? जी, wrong statement. चूज करनी है आपने. सब ठीक है अंदर से, कोई एक. कौन सी? मैम, इट इज फॉर्मड ओनली अंडर एरोबिक कंडीशंस. यस, बी इज द रॉन्ग. जी ठीक हो गया आपका. 6. अब मैं 6th वन क्वेश्चन पूछ रही हूँ सबसे. आमना के भी 5 पूरे हो चुके हैं. 1, 2, 3, 4, 5. अब 6th एमसीक्यूज पर हैं हम, मतलब छठा छठा सबसे पूछा जा रहा है. अच्छा जी, फिर से वही वाला एमसीक्यू आ गया है जो पहले भी आया था. मैम, ये मैं बताऊं? ये तो हुजूर का बोनस है. ये तो बता दें. एस्परजिलस. एस्परजिलस, यस. सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एस्परजिलस. इसको लेकिन मैं माफ नहीं करने लगी. ओके जी, कहा आप? नेक्स्ट बताइए. 52 पढ़िए. यस. The process of photosynthesis takes place in chromoplast, leucoplast, chloroplast, mitochondria. मैम ये भी पहले आया था. Chloroplast. Chloroplast. अच्छा मुझे इसमें ये बताएं, chromoplast और leucoplast ये कौन सी types थी plastids की? ताहा, full marks आपको तब मिलेंगे when you explain these. ये कौन सी type थी chromoplast और ये leucoplast कौन सी type थी? ये तीनों बेसिकली प्लास्टिड्स की टाइप्स है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट.
मैम ल्यूकोप्लास्ट वो थर्ड टाइप के प्लास्ट एग्जैक्ट थे, वो कलरलेस होते थे और यस मैम स्टार्च और लिपिड स्टोर करते थे जी, ये स्टोरेज का काम करते हैं बेसिकली। और मैम ल्यूकोप्लास्ट वहां होते हैं जहां वो फूड स्टोर करना होता है, सो यस जी ठीक हो गया। एंड व्हाट अबाउट क्रोमोप्लास्ट? मैम क्लोरोप्लास्ट तो फर्स्ट टाइप की थी ना, क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप है, वो प्लास्टिड की और इनके अंदर पिगमेंट्स होते थे और जो पिगमेंट्स मींस पिगमेंट्स मींस मैम जैसे मैम कलर ठीक है मैम जैसे वो मैम किसी फ्लावर का कलर रेड होता है, किसी का ग्रीन होता है, इनके अंदर वही पिगमेंट्स होते थे। सेपल्स एंड पेटल्स में ठीक हो गया, पेटल्स में होते हैं कलर्स और फ्रूट्स के तो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक हो गया, यू गॉट वन फुल मार्क। ओके जी आयान, नेक्स्ट इज योर टर्न। ओके मैम, इसका जो पहला आंसर जो है वो है फोटोसिस्टम्स और उसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वैसे होता है, वैसे आंसर फोटोसिस्टम्स है और क्लोरोफिल ज्यादा मेन लाइट एब्जॉर्ब करता है। The photosynthetic pigments are organized in the form of clusters are called जी साथ 54 पढ़िए। एटीपी इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर ऑल एक्सेप्ट सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मूवमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, exocytosis and endocytosis, diffusion. Ma'am, diffusion. Yes, diffusion के लिए ATPs की ज़रूरत नहीं पड़ती, why? बताइए. And diffusion कौन सा process है? तभी आपने इसको answer किया ना, तो इसका वजह बता दें मुझे. Ma'am, diffusion movement of molecules होता है. और मैम हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, और मैम ये नेचुरल होता है। अगर ये क्या कहते हैं वो होता लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तो तब एटीपी की जरूरत होती, क्योंकि तब वो इसके अंदर एनर्जी चाहिए होती कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट मूवमेंट करवानी पड़ते, फिर वी नीड देन वी नीड एनर्जी। यस वेरी राइट, क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? डिफ्यूजन में एनर्जी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चलते हैं, इससे उन्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की। क्वाइट राइट आंसर। अच्छा जी सेवंथ अब लास्ट में पूछूंगी, इससे कि टाइम जो है वो शॉर्ट हो रहा है। सात का तो हो गया, सेवंथ वन जी आगे चलते हैं जी। आमना, एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड इज, किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है? पोटेंशियल, काइनेटिक, लाइट और हीट? यस आमना, हमारी बॉडी में एनर्जी किस केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर होती है? नहीं आता जी जी, पोटेंशियल। आमना बेटा इतना डर के क्यों बोलते हो? बोलते ठीक हो लेकिन डर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लगता है गलत हो जाएगा। बेटा डोंट बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना आप, सही होता है आपका आंसर लेकिन आप ऐसे बोलते हो जैसे। अच्छा जी आमना का हो गया राइट है आपका अभी जी आंसर। अब आ जाए किस पर, आयान, आयान के कितने हो चुके हैं? यस एक रहता है आयान का जी। जी आयान 56 पढ़े। आफ्टर द एंट्री ऑफ वाटर इन द इनर सेल्स ऑफ रूट इट फर्स्ट रीचेस स्टेम, एक्साइलम सेल्स ऑफ रूट, फाइलम ऑफ रूट्स, लीव्स। एक्साइलम सेल्स ऑफ रूट्स ठीक है लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। यस आयान, ओके ओके क्यों? क्यों मैम ये क्यों आयान को पूछना चाहिए था? आयान ने क्यों कहा ओके? यू डोंट नीड मार्क्स, क्यों नहीं मिलेंगे आयान? आप पूछेंगे तो आंसर मिलेगा।
नहीं मैम, मैंने कहा पहले ही मार्क्स कम है, ना मिले क्या फर्क पड़ता है। ओह माय गॉड, इतनी डिसअपॉइंटमेंट। इसको आप हमेशा रॉन्ग बोलते हो। इसका प्रॉपर प्रोनंसिएशन ज़ाइलम है। क्या है बोले? ज़ाइलम। आप इसे पढ़ते हो एक्साइलम, ज़ाइलम बोलना है इसे। ओके ओके मैम। अच्छा जी, जी ताहा, नेक्स्ट 58 पढ़िए। मैम 58 पढ़ रहा हूँ। मैम 58, एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। जी मैम, आंसर है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सेसरी पिगमेंट्स? लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी वेवलेंथ? एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा होती है। वैसे ए तो मेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट, मगर वैसे जो बकाया होती है वो बी कर लेता है, क्लोरोफिल बी। 670 नैनोमीटर की तो एक लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जो दूसरा होता है ना 480 नैनोमीटर की, उसकी एक एक्सेसरी पिगमेंट्स करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे आइडिया है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह की बुक्स होती हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हमने इससे कर तो लिया, माइट भी किसी के पास ये बुक हो और वो आंसर भी देख रहा हो, क्योंकि ऑनलाइन में अब ये चीज़ें नहीं मतलब समझ आ रही होती ना कि हाँ वो भी कैन टोटली चेक यू। तो मकसद सिर्फ यही था कि आपको रिपीट करवा दूं मैं ना। चले हमने एज ए क्विज, किसी के पास नहीं भी होगी, मैं सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन माइट भी किसी एक आध बच्चे के पास ये बुक हो भी एज ए की बुक। तो मकसद सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि हम रिपीट करें इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार, ठीक है। और अंदर ही अंदर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेती हूँ एमसीक्यूज के थ्रू, तो कोशिश पूरी होती है कि आपका टाइम जो है वो फ्रूटफुली गुजर जाए। तो अगर कोई बड़ा खुश हो रहा है ना इस वक्त कि मेरे पास बुक है, मेरे सारे आंसर्स ठीक है, तो समझे कि ये ऑनलाइन क्लासेस का एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये मजबूरी है हम सब की कि हमें ये करना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह आज के बाद, आई थिंक टुडे इज आवर लास्ट क्लास, ऐसे ही है ना? जी स्टूडेंट्स, आज हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास है, आफ्टरवर्ड्स वी विल मीट इन स्कूल, क्योंकि नेक्स्ट अब आपकी क्लास मेरे साथ बननी है फ्राइडे को, लेकिन अब हम तो इंशाल्लाह थर्सडे से रेगुलर क्लासेस लेंगे, और अल्लाह करे कि रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू ही करें, ये दोबारा स्टॉप ना हो, ठीक है जी। आमना, दिस इज योर टर्न, लास्ट वन। जी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, मेन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल बी। जी नो मैम, क्लोरोफिल ए। यस यस, क्लोरोफिल ए इज द राइट आंसर। आमना, क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेटिक मेन पिगमेंट है, ठीक है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जी। चलें, 7 मार्क्स हैं सात के, 1 2 3 4 5 6, 7 मार्क्स हैं ताहा के, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स हैं आयान के, 1 2 3 4 5, 5 मार्क्स ही आमना के हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। चले जी, ये कौन एंटर हो रहा है क्लास में? हु इज एंटरिंग? इन द मीटिंग रूम, वेटिंग रूम में कौन है? हमारा टाइम तो नहीं ओवर हो गया स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो जिशान हैदर कौन है भाई? ये तो 8 ग्रेड 8 का बच्चा नहीं है? ये क्यों एंटर हो रहा है क्लास में हमारी?
अच्छा जी स्टूडेंट्स, वैसे भी एंड टाइम तो हो गया। हाँ जी बस टाइम हो गया, मैं एंडी कर रही हूँ मीटिंग आपकी। चलें जी ठीक है जी, इंशाल्लाह अब हम स्कूल में मिलेंगे। और इसका रिजल्ट शो करूँ कि रहने दो? नंबर वैसे मैंने आपको बता दिए हैं, सात गॉट फुल मार्क्स, ताहा आल्सो गॉट फुल मार्क्स, आयान और आमना के 5-5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 7। इसको एडमिट करके पूछूं ना क्या मसला है भैया आपका? चले एडमिट करके देखती हूँ क्या कहते हैं ये। आ गए हैं जी जीशान? यस मैम। जीशान हैदर, हेलो, आप निकल गए हैं क्लास, डर गए हैं, लीव कर गए हैं। चल चले ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे स्कूल में। ओके जी, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, स्टॉप शेयरिंग एंड